राम राम भाइयों, आजकल ना एक मुद्दा बड़ा एकदम गर्मी से आग लगा रखा है मार्केट में, एकदम आग फायर। तो वो मुद्दा है आरक्षण। आज मैं बात करने वाला हूँ आरक्षण के ऊपर। एक्चुअली अगर पहले ना आरक्षण के बारे में मुझे भी नहीं पता था, पर हाँ ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उसके बारे में काफी कुछ देखा, सुना और समझा। तो पहले तो मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत गालियां देता था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं आज से 2 दिन पहले बहुत गालियां देता था, वो मेरे लिए कोई आइडल नहीं थे, बहुत कुछ मैं उनको भरा बुला कहता था। पर मैं आज सॉरी बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर को बहुत गलत समझा। बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने जो ये आरक्षण का कानून देके गए, बहुत अच्छा कानून देके गए, जिससे कि हमारे समाज के कुछ पिछड़े वर्ग लोगों का भला हो सके। पर ये एक मुद्दा, अलग मुद्दा है कि किसको ये आरक्षण मिलना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरे को तो आरक्षण नहीं मिलता, तो मैं तो जनरली कहूंगा भाई आरक्षण किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। पर एक सोचने की बात है यार, आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? शायद नहीं सोचा ना। तो एक बार सोच के देखिएगा खाली बैठ के टाइम में, कि अगर ये आरक्षण, सारा आरक्षण खत्म कर दिया जाए तब भारत में क्या होगा। तो इसी के ऊपर में छोटी सी ना मैंने कहानी बनाई है, तो मैं आज आपको सुनाता हूँ वो कहानी, और आप लोगों को ना सुन के अच्छा लगेगा। तो चलो वो कहानी में स्टार्ट करता हूँ। वो कहानी कुछ इस तरह है। सपोज करिए आप है ना किसी बस में या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है? बस ट्रेवल नॉर्मल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और गवर्नमेंट ने सबको आरक्षण घोषित कर रखा है, सबको A to Z, सबको, पर्सन को, ठीक है? और सीट में भी, मतलब बसेस में भी सीट अलॉट कर दो, 10% उसकी है, 25% उसकी है, 20% उसकी है, सबकी अलॉट कर दो। तो कुल मिलाकर के ऐसे होता है। तो सीन कुछ ऐसा होगा, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपके साथ में आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं जो खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? पर आप एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो जिसको कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, ठीक? आप अपने पेरेंट्स के साथ चढ़े, बस में आरक्षण दिया गया है सबको, 4 सीट इसकी है, 5 सीट उसकी है, 6 सीट उसकी है। पेरेंट्स के साथ चढ़े हो, सबको दिख रहा है बुजुर्ग है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर में। पर वो जो आरक्षण की सीट पे बैठे हुए लोग हैं, जो जो मतलब जिनको घोषित कर दिया है सरकार ने, भैया आपका हक है ये, आप ले लो, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो भी फलाना ढिकाना, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बट एक मेरे दिमाग में ऐसी सोच आया कि मैंने कभी, सपोज करो सरकार ने बांट दी ऐसी करके सीट, सबको बांट दी, 4 सीट आपकी, 6 सीट आपकी, 8 सीट आठ की। एक बस आई, बस के अंदर में मैं चढ़ा, मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप है, कोई भी मेरे साथ बुजुर्ग है, और उसको उस सीट की जरूरत है कंपेरेटिव आरक्षण वाले के, जिसको आरक्षण सरकार ने दे दिया है, उसने अपना सर्टिफिकेट बनवा करके वो सीट ले लिया है, उसके कंपेरेटिव ज्यादा जरूरत है उस ओल्ड आदमी को जो खड़ा नहीं हो पा रहा है या चलने में उसको तकलीफ है। तो क्या वो अपनी आरक्षण की सीट छोड़ेगा जरूरतमंद को देख के? सोचने का बात है। और मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपना विचार एक बार नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि क्या उस जगह पे आप अपने आप को रख के देखो या मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो, और सपोज करके मेरे को बताओ क्या वो सही में वो सीट छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो क्यों नहीं छोड़ेगा, और छोड़ेगा तो क्यों छोड़ेगा? भाई ये बात छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी है, कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर में, पता नहीं कौन कौन आपस में लड़ने के लिए तैयार है, ऐसे हजारों सवालों का भरमार है इस 2-0 पे। तो प्लीज इसको 1,000 सब्सक्राइब दो, आगे और भी ऐसे कुछ मुद्दे मैं आपके आगे लेके आऊंगा, जिसको सुनने और समझने के बाद आप खुद सोचोगे कि क्या यार। तब तक के लिए जय हिंद, आपके सब्सक्राइब का इंतजार रहेगा, आप लोगों के प्यार से इंतजार रहेगा। जय हिंद।